मैकओएस पे यूटोरेंट इंस्टॉल करने के लिए आप अपना मनपसंद वेब ब्राउज़र ओपन करें और यूटोरेंट की मेन वेबसाइट पे जाएं। सफारी कैंट फाइंड द सर्वर। अगर आपको भी इस किस्म की या इससे मिलती जुलती स्क्रीन दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपके कंट्री या इंटरनेट प्रोवाइडर ने इस साइट को ब्लॉक किया हुआ है। डोंट वरी, मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसके लिए अपना दूसरा वेब ब्राउज़र ओपन करता हूँ जिसमें मैं VPN यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो सफारी में भी VPN यूज़ करके इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप macOS Catalina की बजाय macOS का कोई प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस क्रॉस पे क्लिक करके uTorrent का डेस्कटॉप वर्जन 1.8.7 डाउनलोड कर लें, जो कि एक स्टेबल और फुल ऑफ फीचर वर्जन है। लेकिन अगर आप macOS Catalina या उसके बाद का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप इस फील्ड में अपना कोई सा भी ईमेल टाइप करके साइन अप हो जाएं। अब यहाँ पे आप कंटिन्यू टू आवर वेबसाइट पे क्लिक कर दें। ये आपको BitTorrent की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। BitTorrent क्यों? हम तो uTorrent डाउनलोड कर रहे थे। व्हाट? एक्चुअली ये BitTorrent ही uTorrent है। कैसे? ये मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करूंगा। बहरहाल इस लिंक पे क्लिक करके आप अपने macOS Catalina के लिए uTorrent का वेब वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर रिकमेंड करूंगा कि अगर आप macOS Mojave या उसके बाद का कोई वर्जन यूज कर रहे हैं तो BitTorrent Classic को डाउनलोड करें जिसमें काफी ज्यादा यूजफुल फीचर्स हैं। बहरहाल macOS Catalina के लिए आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। ये BitTorrent का एक इंस्टॉलर आपके कंप्यूटर में डाउनलोड करेगा। आफ्टर डाउनलोडिंग आप अपने वेब ब्राउजर को क्लोज कर सकते हैं। अब आप अपने डाउनलोड फोल्डर में जाकर BitTorrent को इंस्टॉल कर लें। किसी भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर को अपने मैक में इंस्टॉल ना करने के लिए आप डिक्लाइन पे क्लिक करें। लीजिए BitTorrent, जो कि असल में uTorrent है, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर आप चाहें तो इस सर्च फील्ड के जरिए अपनी टोरेंट फाइल्स को सर्च कर सकते हैं। एड ए टोरेंट फ्रॉम योर कंप्यूटर पे क्लिक करके आप अपनी किसी भी टोरेंट फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी टोरेंट फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए आप उन्हें ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं या फिर इस ब्राउज बटन पे क्लिक करके इन्हें अपने कंप्यूटर की किसी लोकेशन से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं एक मरतबा फिर ऐड टोरेंट बटन पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे इस नीचे वाली फील्ड के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप मैग्नेट या अपनी किसी टोरेंट फाइल के लिंक को पेस्ट करके उसे अपनी uTorrent ऐप के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अपनी टोरेंट फाइल्स को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इस फोल्डर आइकन पे क्लिक करके आप अपने उस फोल्डर तक रसाई हासिल कर सकते हैं जहाँ पे आपकी टोरेंट फाइल्स डाउनलोड हुई हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका डाउनलोड फोल्डर होता है। इस एरो पे क्लिक करके आप अपनी डाउनलोड होने वाली फाइल्स को पास कर सकते हैं। इस बटन पे दोबारा क्लिक करने से आपकी फाइल फिर से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से आप अपनी टोरेंट फाइल्स के मुतालिक दीगर मालूमात लाइक डेट ऑफ एडिट, नंबर ऑफ फाइल्स और टोटल साइज वगैरह के बारे में भी जान सकते हैं। चलिए मैं इस फाइल को स्टॉप करके डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए अब चलते हैं BitTorrent की सेटिंग्स की तरफ, जहाँ पे मैं इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके उसे अनचेक कर दूंगा। इसका फायदा ये होगा कि जितनी बार मैं अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट या टर्न ऑन करूंगा, uTorrent की ऐप खुद ब खुद रन नहीं होगी और जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको मैन्युअली रन कर लूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर ऐड होने वाली टोरेंट फाइल सेपरेट टैब में ओपन ना हो तो इसे अनचेक कर दें।
यहां से आप अपनी डाउनलोड होने वाली टोरेंट फाइल्स का पाथ चेंज कर सकते हैं। इस जगह से आप अपनी यू टोरेंट ऐप की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। यहां से आप अपने डाउनलोड और अपलोड स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं और यहां नीचे कुछ और दीगर चेंजेस भी कर सकते हैं। अब यहां ये सवाल पैदा होता है कि डाउनलोड तो हमने यू टोरेंट किया था, ये यू टोरेंट बिट टोरेंट कैसे बन गया? तो भाई, शुरू में यू टोरेंट ने जब अपनी ऐप को मैक ओएस कैटलिना के लिए अपडेट किया था तो उसका नाम उन्होंने यू टोरेंट ही रखा था। इसका फाइल साइज और नाम ऑलमोस्ट सेम था, बस फाइल के शुरू में BTM की बजाय UTM लिखा था। इंस्टॉलेशन का तरीका सेम था, सेम इंटरफेस था, हत्ता के फीचर भी सेम ही थे। आई डोंट नो कि यूटोरेंट ने जस्ट अपना नाम चेंज करके सेम एप्लीकेशन को दोबारा दूसरे नाम से अपने ही वेबसाइट पे क्यों डाल दिया। बहरहाल ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि अब हम macOS Catalina में यूटोरेंट की ऐप को यूज कर सकेंगे। अगर आप macOS Catalina में कंप्लीट टोरेंट सॉल्यूशन के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस वीडियो में हमने 5 ऐसे बेस्ट टोरेंट सॉफ्टवेयर का जिक्र किया है जो कि आप एब्सोल्युटली फ्री macOS Catalina पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, macOS Catalina के बारे में हमारे चैनल पर कई वीडियोस हैं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। एप्पल से रिलेटेड दीगर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके स्पेशली बेल आइकन को दबाना हरगिज ना भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, वीडियो देखने और अपना कीमती टाइम देने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।